अभी हम लोग अहमदाबाद शहर में है। जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से आपको अपडेट करते हुए आ रहे हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब खुर्शीद अहमद सैयद साहब के निर्देश के हिसाब से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की टीम पिछले हफ्ते से गुजरात के कई सारे ज़िलों में काम कर रही थी। और हम सब लोग अभी भी कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए AICC के निर्देश के हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी हम लोग गुजरात और लाठी विधानसभा से, गुजरात के अमरेली और लाठी विधानसभा से काम करने के बाद, पार्टी के मजबूती करने के बाद, चूंकि अब वहाँ प्रथम फेज का चुनाव कल होने के लिए जा रहा है, अभी हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके निर्देश के हिसाब से पूरी टीम यहाँ अपनी पूरी ताकत लगा रही थी और यहाँ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से मदद कर पार्टी की मदद में लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब खुर्शीद अहमद सैयद साहब हमारे बीच मौजूद हैं। इस मौके पे हमारे साथ चल कर के आए हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर जनाब इंजीनियर असलम अली साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की पूरी टीम मौजूद है। साथ साथ यहाँ के सिटी माइनॉरिटी के चेयरमैन जुल्फी खान साहब हैं, उमर खान साहब हैं और नदीम शेख साहब हैं। आइए हम सीधे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब खुर्शीद अहमद सैयद साहब से सीधा जानना चाहते हैं। ये हमें संदेश, गुजरात के नाम इनका संदेश जाएगा, जिस संदेश का कल आने वाले चुनाव और उसके बाद जो दूसरे चरण का जब चुनाव होगा इसका फायदा हमें मिलेगा। खुर्शीद अहमद सैयद साहब बोलिए। सर देखिए, कल गुजरात की असेंबली का पहले चरण का वोटिंग होने वाला है। पूरा देश और दुनिया देख रही है और सच्चाई यह है कि मैं ये मान के चलता हूं कि गुजरात में इस बार क्रांति होने जा रही है। और 22 साल के कुशासन को बदल के फिर एक बार कांग्रेस शासन को संभालने के लिए तैयार है। 22 साल से यहां का विकास पटरी से उतर चुका था। गुजरात का गरीब, गुजरात का किसान, गुजरात का मजदूर और समाज के हर तबके के लोगों ने पिछले 22 सालों में बहुत परेशानी उठाई है, सभी लोगों को दर्द। और इसलिए मैं ऐसा समझ रहा हूं गुजरात के पूरे दौरे करने के बाद में कि लोग अपना मन बना चुके हैं। कल जब पहले चरण का वोटिंग शुरू होगा, मतदान शुरू होगा, तो मैं अपील करूंगा गुजरात की तमाम जनता से, तमाम समाज के लोगों से, तमाम वर्ग के लोगों से कि गुजरात से ये दुशासन करने वाले लोगों को, कुशासन करने वाले लोगों को हटा दें और फिर एक बार क्रांति की शुरुआत यहां से हो, गुजरात से हो और पूरे देश में इसका मैसेज जाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार गुजरात में आज बने और 2019 में देश में बने, इसकी शुरुआत यहां से करना है। और मैं आप लोगों से दिल से अपील करता हूं कि कल सवेरे से आप लोग पहले चरण के वोटिंग में लग जाएं और मतदान करके ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को दे करके आने वाले दिनों में गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं, इतनी मैं अपील करता हूं। और दूसरे चरण का जब वोटिंग होगा 14 तारीख को, तब फिर एक बार ये क्रांति को आगे बढ़ाने का काम हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इस बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और इन पिछले दिनों में लगातार हमारा नेतृत्व ये साबित कर चुका है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा चुका है। और हमारे अध्यक्ष राहुल जी की जो मेहनत है, उनकी जो सादगी और सच्चाई है वो लोगों ने देखी है, इनकी शालीनता को लोगों ने देखी है। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से पिछले दिनों में पूरे गुजरात के दौरे किए और गुजरात के युवा को अपने साथ लिया, गुजरात के उन तमाम लोगों को साथ लिया जिनको भाजपा ने 22 साल तक सताया है, 22 साल तक अन्याय किया है,
और 22 साल तक जिसको कुचलने का काम किया है, ऐसे तमाम वर्ग के लोगों को राहुल जी ने अपने साथ जोड़ा है। और ये बहुत बड़ी सिद्धि है, ये क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। और हमारे अध्यक्ष, मैं ये समझ के चलता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि ये साबित करेंगे कि ये क्रांति वीर है। मैं आपसे फिर एक बार अपील करता हूँ कि कल के दिन सुबह से शाम तक आप लोग अपना वोट दें, अपने साथ अपने परिवार के वोट दिलाएं, अपने इलाके के वोटों का वोटिंग करवाएं, अपने रिश्तेदारों से कहें और कांग्रेस के हक में, राहुल जी के हक में, पंजे के हक में ला करके गुजरात के विकास की भूमिका फिर से खड़ी करें। इतनी सी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। चलेगा।